लॉरेंस बिश्नोई ने एनकाउंटर का खदशा जाहिर किया है। एनआईए कोर्ट के विच लॉरेंस बिश्नोई ने गुहार लाई है, कहा है कि पंजाब की थान किसी होर सूबे की पुलिस नूं दित्ती जाए कस्टडी। बिश्नोई के वकील का दावा है कि भलके दिल्ली हाई कोर्ट से वो अपील करेंगे। उन्होंने एनकाउंटर का खदशा जाहिर किया है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि एनकाउंटर किया जा सकता मेरा। एनआईए कोर्ट के विच लॉरेंस बिश्नोई ने गुहार लाई है कि पंजाब की थान किसी होर सूबे की पुलिस मेरी कस्टडी दी जाए, क्योंकि अजिहियां तस्वीरां अजिहे गैंगस्टर्स ने पहला बहुत सारिया देखिया होंदिया ने, बहुत कुछ पता हुंदा है, बहुत नेड़े उन्होंने इस तंत्र नूं जाणिया भांपिया होया हुंदा है। इस करके हुण अजिहे खदशे सता रहे ने और कहा जा रहा है कि जिहड़ी पुलिस कस्टडी है वह पंजाब तो बाहर किसी होर पुलिस किसी होर सूबे नूं दित्ती जाए। बिश्नोई का वकील भलके दिल्ली हाई कोर्ट भी अपील करनगे। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, मैनू मरवाया जा सकता है। एनआईए अदालत के अंदर उसके वालों गुहार लाई गई है कि है कि मैनू किसी होर सूबे की पुलिस हवाले किया जाए पंजाब की थान। साढ़े पत्रकार अरविंद सिंह इस वेले जुड़े हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी, किस बिना पर यह खदशा जाहिर किया गया है, क्योंकि वो तो पुलिस कस्टडी में है। देखिए, अभी लॉरेंस बिश्नोई जुडिशियल कस्टडी में है, तिहाड़ जेल के अंतर्गत है पिछले करीब एक साल से, और एनआईए कोर्ट के सामने जो अर्जी दायर की गई उसमें यही कहा गया है कि कई राज्यों की पुलिस उसके खिलाफ, कई सारे मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, और ऐसे सूरत में अगर पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को उसकी कस्टडी दी जाती है तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। यही वजह की लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट से मांग की है कि फिलहाल जब तक मकोकर मामला इस कोर्ट में चल रहा है तब तक उसकी कस्टडी किसी दूसरे राज्य की पुलिस को नहीं दी जाए, और अगर दूसरे राज्य की पुलिस पूछताछ करना चाहती है तो वो तिहाड़ जेल आकर के पूछताछ कर सकती है, कोई फिजिकल कस्टडी देने की जरूरत नहीं। अगर किसी दूसरे राज्य की कोर्ट में उसकी पेशी होनी भी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है, किसी दूसरे राज्य में उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि जब तक जो एनआईए कोर्ट में उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है तब तक उसका डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, तब तक किसी दूसरे राज्य की कोर्ट में या दूसरे राज्य की पुलिस की कस्टडी उसको नहीं दी जाए। और ये भी कहा है कि अगर इसके बावजूद कस्टडी दी भी जाती है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि इनकाउंटर जैसी कोई घटना के खिलाफ ना हो। लेकिन स्पेशल जज जो प्रवीण सिंह है उन्होंने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, और उनका ये कहना है कि अभी कोई दूसरे राज्य की पुलिस का कोई प्रोडक्शन वारंट कोर्ट के सामने नहीं है, लिहाजा कोर्ट सिर्फ इनकाउंटर के मद्देनजर नहीं कर सकता। अब लॉरेंस बिश्नोई के वकील का कहना है कि कल वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से राहत की मांग करेंगे। तो कहें कि जो एनआईए की कोर्ट है उससे लॉरेंस बिश्नोई को कोई राहत नहीं मिली जिस तरीके की वो चाहते थे। बिल्कुल, एनआईए कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है, एनआईए कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश पास करने से मना कर दिया है। एनआईए कोर्ट का ये कहना है कि अभी किसी दूसरे राज्य की पुलिस का कोई प्रोडक्शन वारंट कोर्ट के सामने नहीं है, लिहाजा कोर्ट सिर्फ आशंका के मद्देनजर पहले से ही कोई ऐसा आदेश पास नहीं कर सकता जिसमें वो साफ कर दे कि दूसरे राज्य की को कस्टडी नहीं दी जाएगी। जी अरविंद, बेहद शुक्रिया इस तफसील जानकारी साझा करने के लिए। सो साढ़े पत्रकार अरविंद जानकारी दी सांझ पा रहे सी कि एनआईए कोर्ट के विच जिहड़ी गुहार लाई गई उसनों सिरे तो खारज कर दिता गया, इनकार कर दिता गया, तो हुण इसनों लैके भलके जो है वह उन्हां दे वकील दे वल्लों दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एनकाउंटर का खदशा जाहिर किया है। उन्हें कहा है कि जेकर मैनू प्रोडक्शन वारंट से कितने लैके जाया जाता है तो एनकाउंटर जोड़ा है वह हो सकता है या करवाया जा सकता है। इस तरीके का खदशा जाहिर करते हैं। एनआईए की अदालत के अंदर लॉरेंस के वालों गुहार लाई गई सी पर उसनों सिरे तो खारिज कर दिता गया। हुण दिल्ली हाई कोर्ट के भलके अपील दायर की जाएगी। पूरे पंजाब भर तो एक वड्डा इकट्ठ मानसा जिले के पिंड मूसा विखे सियासतदानों तो लैके अफसरान तो लैके राजसी गैर राजसी लोग लगातार इस दुख की घड़ी के परिवार नाल दुख साझा करने पहुँच रहे हैं, पर एक वड्डा घाटा
जिथे इंडस्ट्री कह रही है सानू पे है तो उत्थे ही वो माँ प्यो का हाल हालों बेहाल है ना कि केवल परिवार रिश्तेदार सगों पूरा इलाका जिला और कई थावां ते माहौल गमगीन है। उसनू चाहुण वाले लोग गमजदा ने अखां नम ने और ये जिहड़ा मर्डर है इसकी मिस्ट्री हले बरकरार है। पंजाब बिल्कुल ना लेकर जाया जाए, वहां उसकी जान को खतरा है, उसका एनकाउंटर भी हो सकता है।